सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट की आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन? कितने दिन में कम की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाए बताइए, आप बताइए। अक्षय सर इन्होंने तो बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता है, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है, जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपसे? क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में खत्म हो जाती मैं क्या करूँ, मैं उसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में खत्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम खत्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे लड़ूं? इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। अक्षय जी ऑन योर राइट। माधवन आप 20 साल से भी ज़्यादा समय से, आपने पहले 20 साल से पहले हिंदी फिल्म में काम किया था, साउथ की फिल्मों में लगातार काम करते रहे हैं, दोनों इंडस्ट्री से आप काफ़ी वाकिफ हैं। आजकल जो बहस चल रही है साउथ इंडियन फिल्म्स को लेकर, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं RRR, KGF, पुष्पा, और जो स्पेक्टेकल फिल्म बन रही है, बहुत लार्ज स्केल पे फिल्में बन रही हैं, और हिंदी की फिल्में बहुत कम चल रही हैं, हाल ही में 2-4 फिल्में चली हैं, भूल भुलैया, कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई, उसके अलावा फिल्में चली नहीं हैं अगर उस सेंस में देखा जाए। इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, दोनों के ऑडियंस से वाकिफ़ हैं, आप समझते हैं दोनों तरह के सिनेमा को, साउथ के सिनेमा को भी और हिंदी सिनेमा को भी, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी बहस को? देखिए हकीकत यह है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं, और वो इसलिए शायद इनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बने हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं, जैसे आपने खुद ही कहा गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई ना, तो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है, तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी, ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया। आप RRR देख लीजिए, तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है, चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़। बट फिर भी मैं ये कह दूँ कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज़ दैट द डे यू थिंक देर इज़ अ रूल, यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज़ जस्ट अ चेंजिंग सिनेरियो। एंड आई होप दैट यू नो इन द इयर्स टू कम, इन द डेज टू कम, अदर फिल्म्स आल्सो विल डू वेल एंड अनदर पैटर्न विल सेट इन, बट आई डोंट थिंक वी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि हाउ द इंडस्ट्री विल रिएक्ट। हेलो, या